Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है इंप्रेस ऑफ ओल्डर वुमेन, जिसे 1978 में रिलीज किया गया था। और मैं आपको इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप इस बच्चे के बारे में एक बार जरूर देखना और आप इसे देखकर एक बार जरूर कहेंगे कि बचपन ने तो सिर्फ इसी ने जिया है, हम तो सिर्फ कंचे ही खेलते रह गए। खैर की ज्यादा समय ना बिताते हुए चलिए हम मूवी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लसन को, और लसन के फादर की हाल ही में डेथ हो गई है और इसलिए अब वो अपनी मॉम के साथ रहता है, और उसकी मॉम अक्सर अपनी सहेलियों के साथ दिखाई देती है। तो यहाँ पर लसन बड़ी बड़ी आंटियों को देख देख कर उसका इंटरेस्ट अब आंटियों की तरफ बढ़ने लगता है, और बचपन से ही लसन ने एक ख्वाहिश पाल रखी है कि वो बड़े किसी आंटी को पेल दे। खैर कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये उस समय का दौर है जहाँ छोटे छोटे बच्चे को भी आर्मी में ले लिया जाता था। यहाँ पर वो अपने से बड़े ऑफिसर की जो वाइफ थी उन्हें नहाते हुए लसन देखा करता था, और इसी के बीच एक दिन वो पकड़ा भी जाता है क्योंकि उनमें से एक लड़की देख लेती है उसे नहाते हुए। पर यहाँ पर वो लड़की सोचती है कि ये छोटा सा एक बेचारा बच्चा है तो ऐसे ही वो देख रहा होगा। इसके बाद वो उसे लसन को किस करके वहाँ से चली जाती है। अब भाई साहब, अब पहली बार उसने किस का टेस्ट कर लिया है, तब तो इनके हार्मोन अब बिल्कुल चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। खैर कि ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और अब भैया जी हो चुके हैं पूरे 15 साल के। इस समय पर लसन थोड़ा बहुत सुंदर दिखने लगे हैं और उसकी तरफ कुछ लड़कियाँ उसकी ओर अट्रैक्ट भी होती है, और हाल फिलहाल वो एक बड़े बिजनेसमैन के घर पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेसमैन की वाइफ थी उन्हें वो बहुत पसंद करता था, लेकिन आगे आप जानेंगे कि आखिर क्यों लसन उसकी वाइफ को पसंद करता था, और मालिक के घर पर होने की वजह से लसन की दाल नहीं गलती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लसन की एक गर्लफ्रेंड भी है, पर वो गर्लफ्रेंड उसे कभी कुछ करने नहीं देती, और इस बात से अपना लसन बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन एक दिन जब वो बिजनेसमैन घर पर नहीं होता तो फौरन पहुँच जाता है लसन उसके घर पर, और घर पर आंटी अकेली थी तो वो आंटी को किसी तरह से मनाने के लिए कुछ कुछ ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देता है, और बातों ही बातों में लसन ये बोल देता है कि आंटी जी आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या करें अगर किसी लड़की के साथ टपा टप करवाना हो, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ कभी करती ही नहीं। और इसके बाद वो आंटी लसन को थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह देती है, और टिप्स को फॉलो करते करते भैया जी पहुंच जाते हैं उसके बर्थडे पार्टी के दिन। यहाँ पर लसन उसे एक गाउन गिफ्ट करता है जिसे पहन करके उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने आती है, जिसे देखकर लसन के जमीन आसमान एक हो जाते हैं, और वो वहीं पर उसके गाउन को अनबॉक्सिंग करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी धीरे धीरे बाटली पर उतर आई है, और उसके बाद लसन अपने बैट को लेकर के उतरते हैं पिच पर। पर भैया जी ने जैसे ही अपना पहला शॉट मारा पर उसकी ओर से बेबी की आवाज आती है कि बाबू दर्द हो रहा है, पर लसन भैया यहाँ पर समझाते हैं कि ये बेटा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती और आखिर में उसे ग्राउंड खाली करनी पड़ती है, और इस बात से लसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि इतने दिनों से वो प्रैक्टिस जो कर रहे थे और जैसे ही तुम्हारे हाथ में बैट लगी तुमने उसे क्लीन बोल्ड करवा दिया, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। इस बात से अपना लसन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और उसके बाद पहुंच जाता है वो अपने मालकिन के पास, और यहाँ पर लसन अपनी सारी बातें बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मालकिन बताती है कि मेरे सैयाजी भी अक्सर विदेश चले जाते हैं और आके हमारा कुछ ना बतावत है, और लौट के जब भी आवत है तो थके आवत है, बस खुद ही हिलावत है हमारा जरा सा भी ना बजावत है। अब लसन भाई सब यहाँ पर पूरे गेम को समझ जाते हैं कि आंटी जी हमारा का कहना चाहवत है, जिसके बाद वो दोनों कमरे में जावत है और पलंग को जोरो जोरो हिलावत है, और इनके पहले दिन के बाद से ही इनका कार्यक्रम रेगुलर हो जाता है। और उसके बाद जो आंटी की एक सहेली थी उसे भी ये बात पता चल जाती है, और जब एक दिन घर पर आंटी जी नहीं थी तो उसकी फ्रेंड लसन के साथ मजे लेने लगती है, पर इतने में ही आंटी घर पर आ जाती है और उसे चिपका देख करके जैसे तुमने बचपन में चिपके हुए कुत्ते को छुड़ाते थे ना पत्थर मार के, वैसे ही आंटी उसे छुड़ाती है पत्थर मार के। खैर कि उनके छुड़ाने के बाद उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, पर आंटी उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बाबू तुमने तो मुझे चीट किया, मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा था, पर अब से हमारा रिलेशनशिप खत्म, इसके बाद से तुम अपने हाथों से ही काम चलाना। अब बेचारे लसन के पास कुछ भी नहीं बचा है तो वो चला जाता है एक बार में, और यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और वो दोनों थोड़े बहुत बातें करते हैं, और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो डायरेक्टली बोल देती है कि लसन मुझे तुम्हारा वो चाहिए जो लसन के आगे लगता है। फिर इजीली लसन समझ जाता है जैसे कि आप समझ गए, और वो दोनों जाते हैं एक होटल में, और यहाँ पर वो दोनों पेलम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं जो चलता है पूरी रात और अगले दिन ही समाप्त हो जाता है। खैर कि इसके बाद लसन का ये रोजाना का काम हो जाता है, और वो रोज किसी न किसी अपने से बड़ी लड़की को इम्प्रेस करता है, उसके साथ टपा टप के कार्यक्रम करता है और चाट पोच के चद्दर रगड़ करके वापस आ जाता है। और ऐसे ही करते करते काफी साल बीत जाते हैं, और अब अपना लसन हो गया है 18 साल का।
लेकिन आज भी उसका टेस्ट नहीं बदलता। उसे अपने से बड़ी लड़कियां ही पसंद आती है और इसी की वजह से जब वो एक दिन एक जगह पर बैठ करके अपने से बड़ी लड़की को पटाने की कोशिश करता है तो उससे वो पल्ले ही नहीं पड़ती और हो जाती है लहसुन के गजब की बेइज्जती, जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। और पास में खड़ी एक आंटी जो ये नज़ारा देख रही थी वो उसे देखकर काफी हंसती है और आंटी जो उसे बोलती है कि तुम ऐसे लड़कियां पटाते हो, ऐसे तो लड़कियां तुमसे कभी ना पटेगी। आंटी को शायद ये पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है जो हाल ही में कई सारी परियों को ठोक के आया है। खैर कि लहसुन उस पर भड़कता नहीं है बल्कि वो सोचता है कि चलो उसकी ना सही, इसकी तो कम से कम मिलेगी। इसके बाद लहसुन उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है और आंटी उसे अपने साथ ले जाती है और रास्ते में उसे बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है। और बेचारा लहसुन ये सुनकर के काफी दुखी होता है, पर उसके बाद आंटी उसके शक्ल को देख करके ये कहा कि बेटा टेंशन मत लो, अभी भी तुम्हारा चांस है, हमारा डाइवोर्स होने वाला है। और ये सुनकर के लहसुन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और इसके बाद सीधा वो दोनों पहुँचते हैं आंटी के घर पर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद वैसे भी लहसुन को जरा सा भी सबर नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों डायरेक्टली चाटनी पूछने लग जाते हैं और उसे आंटी समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे केवल फ्रेंड हैं। और इसके बाद कुछ और भी ज्ञान की बातें समझा कर वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके पीछे पीछे हमारा लहसुन जाता है और उसे एक शायरी सुनाता है। मैं समझता हूँ कि बाबू हमारी दोस्ती यारी है, पर फिर भी ये ठरक भी तो बेचारी है, तुम्हारी बिल्ली को भी तो देखो वो कब से कुंवारी है, मेरे मुन्नु को भी तो करनी है किसी घोड़ी की सवारी है, अब मान भी जाओ लोड हो चुकी मेरी पिचकारी है, अपने पति की टेंशन मत लो, तेरे फैन के यार मिनिस्टर अधिकारी हैं, जिसके आगे झुकती हर एक नारी और कन्या कुमारी है, अब बहुत देर हो गई चंपा दुलारी, हमें भी दिखा दो तुम अपनी झाड़ी, मत बनो तुम इतनी अत्याचारी, मान लिया तुम हो मालकिन हम है तुम्हारी भिखारी, लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर आंटी कतई जहर है, मुन्नू लाल की इतनी बातें होने के बाद भी आंटी जी नहीं पिघली। उसके बाद लहसुन निकालता है अपना ब्रह्मास्त्र, जिसके बाद सेवाएं तो मिलनी ही मिलनी है, तो वो ब्रह्मास्त्र क्या है वो सुनिएगा। जान खैनी खा के पेलेंगे तुमको, क्योंकि हम है प्योर बिहारी और लग चुकी है हमें तुम्हारी पुच्ची की बीमारी, हमें पता था कि तुम ऐसे तो दोगी नहीं, इसलिए हमने की है नौकरी सरकारी। अब सरकारी नौकरी के नाम सुनते ही भला कोई भी व्यक्ति कैसे मना कर सकता है। और आंटी जी चिपक जाती है उसके सीधे मुंह में और शुरू होता है ओष्ठ मिलन से और खत्म होता है भीगे बदन से। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये पेलम कार्यक्रम का सफर स्टार्ट हो जाता है और इस कार्यक्रम को दिन में कई कई बार आयोजन किया जाता है, क्योंकि इनके पास काम करने के लिए कोई काम तो बचा नहीं है। जब भी उठो उठो पेलो सो जाओ, उठो पेलो सो जाओ। पर उसके कुछ दिनों के बाद आ जाती है समस्याओं का लहर, क्योंकि आंटी को कुछ काम से जाना था शहर से बाहर। और यहाँ पर मुन्नू लाल अकेले पड़ जाते हैं अपने हाथों के साथ, अब इतने दिनों से ये अपने हाथों का प्रयोग नहीं किए हैं तो इसे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चले जाते हैं तरह तरह के पार्टियों में शामिल होने के लिए, ताकि वो अपने मुन्नू को शांत करने के लिए शिकार ढूंढ सके। और उसके बाद उसे एक बंदी मिल भी गई, पर भाई साहब पता नहीं उसका मूड क्या हुआ, क्या सनका के घर जाकर भी इसके लिए वो मना कर देती है, जिसके बाद ये बेचारा हाथ हिलाते हुए घर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बीतने के बाद आंटी घर वापस आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई साहब ने आंटी को जब बेड पर लेटे हुए देखता है तो इसके जगाने का स्टाइल तो कतई जहर है। आंटी सोई हुई थी, ये अपने टॉर्च को सीधा उसके सुरंग में डाल देता है, मतलब कि पूरा अलार्म वाला काम कर रहे हैं। खैर कि आंटी भी इसके हरकतों से काफी प्रसन्न होती है, पर इसकी ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि आंटी को हमेशा के लिए ये कंट्री छोड़ने की नौबत आ गई थी। और उसके कुछ दिनों के बाद आंटी उसे गुड बाय कहकर चली भी जाती है और एक बार फिर से अपना लहसुन आ गया है रोड पर। पर पता नहीं लहसुन को कौन मोटिवेट करता है कि इनका मोटिवेशन हर समय चरम सीमा पर रहता है और ये कहीं न कहीं से अपना इंतजाम ढूंढ ही लेते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद इसने अपने इंतजाम को ढूंढ भी लिया और चले जाते हैं उसके साथ पेलम पालम के कार्यक्रम करने के लिए। और इनका ये कार्यक्रम बहुत सही जाता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, मतलब कि चाटो पोछो और चलते बनो, बाबू मुना सोना पुच्चू नहीं करते, देख लो भाई लौंडा हो तो इसके जैसा। खैर कि इसके अगले दिन फिर से हम देखते हैं कि ये एक नई लड़की का इंतजाम किया है और उसके साथ चाटता पोछता है और अगले दिन अलग हो जाता है, जिसके बाद से इसका ये कार्यक्रम लगातार चलता ही रहता है। मतलब कि लहसुन भैया कोई परमानेंटली जॉब नहीं करते, बस हर दिन नई नई जॉब का आनंद उठा रहे हैं। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।